students, how are you? I hope you all are good. So once again, I am here with your grammar book chapter 3rd. Chapter name is Nouns, Common and Proper. आपके chapter का name क्या है? Nouns, Common and Proper. Nouns के बारे में हम last class में पढ़ चुके हैं. Okay? आज हम देखेंगे common noun and proper noun. एक बार फिर से मैं nouns के बारे में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ. Listen carefully. So students, what are nouns? Nouns क्या है? Name of person, place, animal and thing. Nouns क्या है? किसी भी चीज का, किसी भी person का name, किसी भी place का, किसी भी animal का और किसी भी चीज का name. Clear? यानी कि किसी भी पर्सन, आपको पता है पर्सन क्या होता है? कोई भी, जैसे आप बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ये सब क्या है? पर्सन है. प्लेस कोई भी जगह का नाम, जैसे जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये सारे क्या हो गए? टेम्पल नेम, प्लेस, स्कूल नेम, ये सब क्या हो गए? प्लेसेस हो गए. एनिमल्स, एनिमल्स आपको पता है काउ, डॉग, एलिफेंट, बर्ड्स भी आ सकते हैं इसके साथ. और फिर कोई भी थिंग जैसे ब्लैक बोर्ड, बुक, पेन, पेंसिल, बैग, ये सब क्या हो गए? थिंग. यानी कि किसी भी चीज का नेम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. किसी भी चीज का नेम आ जाए, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड थिंग्स. किसी भी चीज का नेम, आपका नेम, मेरा नेम, किसी भी और चीज का नेम, स्कूल का नेम, आपके, आपकी सिटी का नेम, ये सब क्या है? नाउन. आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं स्टूडेंट्स. अब आपको नाउन क्लियर हो गए. नाउन क्या होते हैं? इस चैप्टर में आपको क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. कितने टाइप्स के होते हैं नाउन्स? टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कितने टाइप्स के हुए? टू टाइप्स के. कौन कौन से? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अब आपको सबसे पहले देखना है व्हाट आर कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन क्या है? जनरल नेम. किसी भी चीज का जनरल नेम वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है. जैसे बॉय, मैं आपको बोलती हूँ बॉय, तो कौन सा बॉय है आपको पता नहीं है. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, बॉय सिटिंग एंड बुक. तो एग्जाम्पल दिया बॉय, तो आपको इसमें पता नहीं चल रहा कि बॉय क्या है. जनरल नेम है, किसी का भी पता नहीं चल रहा कौन से बॉय की बात हो रही है. तो ऐसे नेक्स्ट मैंने आपको बोला सिटी, तो कौन सी सिटी की बात हो रही है आपको ये पता नहीं चल रहा. किसी भी सिटी का पर्टिकुलर नेम नहीं आता. जब किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम नहीं आता तो वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है. जैसे बुक, कौन सी बुक आपको पता नहीं. मैंने कहा अपन योर बुक, कौन सी बुक, तो आपको ये पता नहीं है. तो किसी भी चीज का जब पर्टिकुलर नेम नहीं यूज होता तो वो क्या है? कॉमन नाउन है. यानी कि जनरल नेम क्या हुआ? कॉमन नाउन. स्टूडेंट, कॉमन नाउन क्लियर हो गया. नेक्स्ट सेकंड टाइप क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन. हम देखेंगे व्हाट आर प्रॉपर नाउन. अ नाउन विच इज अ स्पेशल नेम. इस नाउन का क्या होता है? स्पेशल नेम होता है. दिस इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, अ नाउन विच इज अ स्पेशल नेम दैट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का पर्टिकुलर नेम आता है, स्पेशल नेम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें देखो रमा, रमा किसी गर्ल का प्रॉपर या स्पेशल नेम आ गया, प्रॉपर नेम आ गया, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. राज, ये भी किसी बॉय का स्पेशल पर्टिकुलर नेम आ गया. जयपुर, ये भी किसी सिटी का प्रॉपर नेम आ गया. और ताजमहल, ये क्या हुआ? किसी मॉन्यूमेंट का पर्टिकुलर नेम, स्पेशल नेम हुआ. तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन क्या होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है. और कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर. कॉमन नाम को किस में लिखेंगे? हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से क्लियर हो गया
एक बार फिर से बता रही हूँ कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है. लिसन केयरफुली. कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग. किसी भी पर्सन प्लेस थिंग एनिमल्स का नेम कॉमन आ जाए यानी कि जनरल आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे. और प्रॉपर नाउन क्या होता है, अ नाउन विच इज अ स्पेशल नेम, स्पेशल नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग. किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का और किसी भी प्लेस का जब स्पेशल नेम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जब हम राइट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल. ओके, जैसे रमा लिखा आपने तो ये किसी चीज का नेम आ गया. आपको पता है नेम राइट करते हैं तो कैपिटल लेटर में, गर्ल नेम है. और ये क्या प्रॉपर नाउन है तो हमने किससे स्टार्ट किया, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया इसको. राज, राज बॉय का स्पेशल नेम है, पर्टिकुलर नेम है तो क्या हुआ, ये किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम, कैपिटल लेटर से. जयपुर सिटी का प्रॉपर पर्टिकुलर नेम हुआ, ये भी हमने किससे स्टार्ट किया है, कैपिटल से. ताजमहल मॉन्यूमेंट का स्पेशल और पर्टिकुलर नेम हुआ तो ये भी हमने किससे स्टार्ट किया है, कैपिटल लेटर से. ऑलवेज प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगेन विद अ कैपिटल लेटर, कॉमन नाउन ऑलवेज बिगेन विद अ स्मॉल लेटर. क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स नाउ कमिंग टू आवर एक्सरसाइज. आवर एक्सरसाइज इज अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स. इसमें आपको क्या करना है, कॉमन नाउन पे अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन्स पे सर्कल. ओके क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज राम इज माय बेस्ट फ्रेंड. राम इज माय बेस्ट फ्रेंड. इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा हुआ, कौन सा हुआ प्रॉपर नाउन, राम. राम क्या है, किसी भी बॉय का पर्टिकुलर स्पेशल नेम हुआ. बॉय नेम आ गया ना, नेम आ गया किसी बॉय का, पर्टिकुलर या स्पेशल नेम आ गया, ये क्या हुआ प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर नाउन पे क्या करना था आपको, सर्कल करना था ना, तो राम पे क्या करेंगे हम, सर्कल. तो सेंटेंस क्या हमारा, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड. तो इसमें फ्रेंड क्या हुआ, कॉमन नाउन, क्योंकि ये फ्रेंड का कोई भी नेम नहीं बता रहा, कौन सा फ्रेंड है आपका इसमें पता नहीं चलना ना आपको. तो फ्रेंड बोल रहे हैं, कौन सा फ्रेंड है आपका, बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, इसमें कोई भी किसी भी फ्रेंड का नेम नहीं आया पर्टिकुलर, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन. स्टूडेंट इसमें क्या था, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड. तो राम क्या हुआ, बॉय का पर्टिकुलर नेम हुआ, स्पेशल नेम हुआ, तो ये क्या है प्रॉपर नाउन है. और फ्रेंड क्या है, ओके कॉमन नेम है, जनरल नेम है, तो ये क्या हुआ कॉमन नाउन. ओके स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम अ गर्ल. तो इसमें गर्ल क्या है, कॉमन नाउन. ये आपको पता नहीं चल रहा कौन सी गर्ल है, कौन सी किस गर्ल की बात हो रही है, तो ये क्या है, गर्ल क्या है, जनरल नेम है, कॉमन नेम है, तो ये क्या हुआ कॉमन नाउन. इसमें कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है इस सेंटेंस में. ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज अर्जुन पिक्ड अप द बुक. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, अर्जुन पिक्ड अप द बुक. तो इसमें प्रॉपर नाम क्या हुआ, अर्जुन. तो अर्जुन क्या हुआ, किसी बॉय का पर्टिकुलर या स्पेशल नेम हो गया. जो किसी भी चीज का पर्टिकुलर या स्पेशल नेम होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाम. तो अर्जुन क्या है, प्रॉपर नाम. तो प्रॉपर नाम पे हमने क्या करना है, सर्कल. सेंटेंस क्या है, अर्जुन पिक्ड अप द बुक. तो बुक क्या है, कॉमन नाम. थिंग का कॉमन नेम आ गया ना, थिंग नेम में, ये क्या हुआ बुक क्या हुआ, थिंग नेम हुआ, कॉमन है तो पता नहीं चल रहा कौन सी, पर्टिकुलर नेम नहीं है किसी बुक का, स्पेशल नेम नहीं है, कौन सी बुक है आपको पता नहीं चल रहा, तो ये क्या हुआ कॉमन नाम. तो इस पर हमने क्या करना है, अंडरलाइन. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज चेन्नई इज अ बिग सिटी. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, चेन्नई इज अ बिग सिटी. तो चेन्नई क्या है, किसी भी प्लेस का पर्टिकुलर नेम आ गया. प्लेस का पर्टिकुलर या प्रॉपर नेम आए तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाम. ओके तो इस पर हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे चेन्नई पर.
सेंटेंस क्या है, चेन्नई इज अ बिग सिटी। तो सिटी क्या है इसमें, सिटी क्या है इसमें, कॉमन नाउन। सिटी क्या है इसमें, कॉमन नाउन। ओके क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।